रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप जानते ही, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। पर अपन क्या करते हैं, जब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हैं इस तरह से, तो अपन इस पूरे सिस्टम को रोटेट कर देते हैं। इमेजिन करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स क्या आएंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। अपन या तो ऐसे मान लो कि एक्सिस को रोटेट कर दिया या हाइपरबोला को रोटेट कर दिया, दोनों एक ही बातें होंगे क्योंकि 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो हाइपरबोला जो अब ये वाला है ना, ये एंगल 90 दिख रहा है आपको, तो हाइपरबोला का ये ब्रांच ये दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कैद हो रहा है। अब मैंने क्या कि मैंने हाइपरबोला इस तरह से ड्रॉ किया, अब हाइपरबोला किन के बीच में कैद हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कैद हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90, और सेंटर ऑफ हाइपरबोला अभी भी सेम ही, पहले भी यही था आगे भी, बस क्या कर दिया यूं रोटेट कर दिया पूरे सिस्टम को, कितने डिग्री से, 45 डिग्री से, ठीक है। रोटेशन का फॉर्मूला याद है किसी को, अगर थीटा से रोटेट करे तो नए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लिखो x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y डैश होता है x sin थीटा प्लस y cos थीटा। थीटा से रोटेट करने पर एंटी क्लॉकवाइज ये फॉर्मूला होता है। इसमें थीटा को क्या रख दो, 45 है ना, थीटा को 45 रख दिया, तो x कितना है, x बाय रूट टू माइनस वाई बाय रूट टू, वाई कितना आ जाएगा, x बाय रूट टू प्लस वाई बाय रूट टू, वो अपने यहां पर रख दिए। ठीक है, इस तरह का आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और वो डिपेंड करता है आपने थीटा एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जब आप रोटेट करोगे 45 डिग्री से तो ये दोनों टर्म्स के अंदर केवल क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वाला हाइपरबोला नहीं पढ़ते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना भाई, ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है, ये सब जानते हैं। हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हाँ भाई, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है सी टी कॉमा सी बाई टी, टी कैन बी एनी रियल नंबर, टी कोई भी रियल नंबर है, हमेशा सी टी सी बाई टी इस पे लाई कर रहा है ना, सी टी सी बाई टी प्रोडक्ट कितना आएगा, टी स्क्वायर ये सी स्क्वायर। हाँ भाई, बी पॉइंट पढ़ो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट निकाल लोगे टू पॉइंट फॉर्म से, है ना भाई, सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स एंड वाई वन इज दिस, टेंजेंट लिखो उसका, इस कर्व पर एट पॉइंट एक्स एंड वाई वन डिराइव करो, चलो डिफ्रेंशिएट करो, इस कर्व पर एट पॉइंट एक्स एंड वाई वन टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा,
तो इसको डिफरेंशिएट किया कितना आएगा, वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, डीवी बाई डी एक्स आएगा, वाई बाई एक्स यानी कि वाई वन अपॉन एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन अपॉन एक्स वन, नेगेटिव आएगा नेगेटिव एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वाई एक्स वन माइनस वाई वन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन एक्स प्लस एक्स वन वाई वन, एक साइड लिया है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वन वाई वन, ठीक, पहला वाला फॉर्म देखो, ये टू एक्स वन वाई वन से डिवाइड कर लिया, सॉरी एक्स वन वाई वन से डिवाइड कर लिया, दिख गया क्या, दिख गया, हाँ, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स वन की जगह रख देना सी टी, वाई की जगह रख देना सी वाई टी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, पैरामेट्रिक पॉइंट याद रखना है बस, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन दिखा देता हूं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, सी वाई टी का डेल्टा कितना आएगा, सी टी का डेल्टा कितना आएगा, सी डेल्टा कितना आएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर, वही एग्जाम में बैठ के करना है ये, ठीक है ना, बस पैरामेट्रिक पॉइंट याद रखना है, बस दैट्स इट, दैट्स इट, बस उतना याद रखो, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन कर लोगे, दिख रहा है नॉर्मल लाइन का स्लोप टी स्क्वायर दिख गया, अरे दिखा, हाँ, और बस पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख रखा है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, हाँ, अच्छा एक चीज ये देख लो, इसमें नॉर्मल में एक्स की जगह एच और वाई की जगह के रख दिया, लिखो लेट द नॉर्मल पास थ्रू पॉइंट एच को मके, आवाज किसकी आ रही, कार की थी, कोई ऐसा लग रहा था कि गाड़ी चुरा के ले जा रहे हैं, है ना, दूसरी कोशिश कर रहा है ये, हाँ भाई, बायक्वाड्रेटिक दिख गया क्या, एलसीएम लेकर के बायक्वाड्रेटिक दिख गया क्या, हाँ भाई, इसका मतलब क्या हो, हाँ भाई तुम बताओ, ये बायक्वाड्रेटिक दिख गया टीम में, एलसीएम लेके टीम में बायक्वाड्रेटिक दिख गया, अरे इधर उचकाएंगे ना इधर, इसका मतलब क्या हुआ, बायक्वाड्रेटिक बनने का मतलब क्या हुआ, टी में बायक्वाड्रेटिक बन रहा है इसका क्या मतलब हुआ, ऑफ कोर्स, हाँ भाई बायक्वाड्रेटिक बन रहा है, बताओ दिग्विजय, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, मैं दोबारा एक बार समझाता हूं, हमने क्या किया, हमने पैरामेट्रिक नॉर्मल डिराइव किया, पैरामेट्रिक नॉर्मल के अंदर हमने एक पॉइंट रख दिया एच कॉमा के, एक फिक्स पॉइंट, और फिर टी में बायक्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, पैराबोला हमने ये काम किया था, क्या मतलब बायक्वाड्रेटिक का, हाँ तुम बताना, चार्ज नॉर्मल ड्रॉ करना, किसी एक पॉइंट से एट मैक्स यू कैन ड्रॉ फोर डिफरेंट नॉर्मल्स, जैसे पैराबोला में था, एक पॉइंट से आप अधिकतम आप तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर भी हाइपरबोला के केस में यू कैन ड्रॉ एट मैक्स फोर नॉर्मल्स, ठीक है, लिखो एट मैक्स फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एच कॉमा के, एट मैक्स फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, chord with given midpoint is this, अभी अब तक आप क्या करते हैं, tangent line का equation लिखने के लिए, या अपन जब लिखते हैं ना t is equal to s1, chord in terms of midpoint याद है, chord in terms of midpoint क्या होता है, t is equal to s1, ये सब लिखने के लिए क्या करते हैं,
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्सन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वन, टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्सन एंड जो भी है, ठीक। अच्छा आप ये सोचिए टू एक्स वाई की जगह क्या लिखें, क्योंकि टू डिग्री कर्म है तो ये भी आएगा, तो टू एक्स वाई की जगह लिखो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, ठीक है, रिप्लेस दिस बाय दिस, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा जो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दिया, और टू एक्स वाई को क्या लिख लो आप, टू एक्स वाई को लिख लो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, और यहां पर ये जो टू एक्स वन वाई वन है क्योंकि पॉइंट कर्व पर है ना बेटे, पॉइंट कर्व पर है तो पॉइंट कर्व पर है तो टू एक्स वन वाई वन कितना आएगा, टू सी स्क्वायर, गॉट इट, टू एक्स वन वाई वन आएगा टू सी स्क्वायर। छापो अभी, हाँ हम क्वेश्चन वन पर आ गए, फाइंड एवरीथिंग फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें बहुत बेसिक आइडिया तो है ही, ठीक है, और एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर आपका जैसे आइसोथर्मल होता है, हाँ आइसोथर्मल है ना, पीवी कॉन्स्टेंट बिल्कुल वैसा बनेगा, ओके। तो ये दो एसिम्प्टोट्स हैं, ये दो एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है, तो देखिए रहा है कि सी ए टी ए कैसे होंगे, ऐसे होंगे, बात समझ में आई है, 48 डिग्री से रोटेट किया था ना, लिखो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो आपके सी ए टी ए है ना, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा, सी ए सॉरी टी ए, हाँ कितना पॉइंट आ गया, इधर पॉइंट का क्वाड्रेंट कितना आ गया, दिख गया सी सी, इधर क्या है माइनस सी माइनस सी, गॉट इट, ठीक है, तो लेंथ ऑफ टी ए ये कितना आ रहा है, डिस्टेंस कितना आएगा, टू रूट टू सी, ठीक है, E पता ही अपने को, इसेंटिटी कितना है रूट टू है ना, E कितना है रूट टू है क्योंकि रेक्टेंगुलर है और सेंटर क्या है जीरो जीरो, तो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक कितना है A, यहां से यहां तक कितना है A, तो फोकस अगर यहां पर है तो यहां से यहां तक कितना आएगा ए ई, तो अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका रूट टू सी, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2c, समझ में आ रही बात, ओरिजिन यानी कि सी सी एफ वन कितना आएगा रूट टू मल्टीप्लाइड बाय ए यानी कि 2c। अच्छा अगर 2c यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल 45 है तो कितना आएगा ये 2c, 2c cos 45 2c sin 45 कितना आ जाएगा रूट टू सी और रूट टू सी, लिख लिए कोऑर्डिनेट कितने आएंगे दूसरे वाले फोकस के, कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, ठीक है सब सिमेट्रिक है ना, माइनस रूट टू, माइनस रूट टू सी, माइनस रूट टू सी, ठीक है ये आएगा। अच्छा ए बाई ई लिखते हैं, तो अभी तो अपने ए ई लिखा था, ए बाई ई से क्या मिलेगा अपने को, डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएंगे ऐसे, इस तरह के डायरेक्ट्रिक्स आएंगे, और ये पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना आएगा ए बाई, ए कितना आया था आपका, ए आया था आपका रूट टू सी, तो ए बाई ई कितना हो जाएगा सी हो जाएगा है ना, तो ए बाई ई इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो ये दूरी अगर सी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, सी कॉस 45 सी साइन 45, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा सी बाय रूट टू और सी बाय रूट टू, तो एक लाइन है जो इसके पैरल है ना भाई, सी ए टी के पैरल होते हैं ना डायरेक्ट्रिक्स, तो आपका ये जो लाइन है ये इसके पैरल है, तो इसका इक्वेशन कितना आएगा एक्स प्लस वाई, ये लाइन और ये लाइन का स्लोप क्या है माइनस है, अब ये पॉइंट यहां पर रख दिया अपन ने,
तो सी बाय रूट टू प्लस सी बाय रूट टू कितना आएगा, सी बाय रूट टू प्लस सी बाय रूट टू कितना आएगा, रूट टू सी। ये आपका क्या है, एक डायरेक्ट्रिक्स। ओके, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स सिमेट्रिक्स दिख गया, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। हाँ, ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, टू बी स्क्वायर बाय होता है, और ए और बी क्या होते हैं, बराबर, तो कितना आएगा, टू है, और ए का वैल्यू कितना है, रूट टू सी, ए अगर रूट टू सी है तो कितना आएगा, टू रूट टू सी। ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये आपका लेटस रेक्टम का इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, लेटस रेक्टम। और ये फोकस तो है ही, खैर ये दूरी कितना आएगा, बी स्क्वायर बाय, है ना, ये डिस्टेंस कितना आएगा, बी स्क्वायर बाय, बी स्क्वायर बाय का मतलब क्या हो गया, ए, और ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू कितना आया था, रूट टू सी, ये लेंथ आ रहा है रूट टू सी। अच्छा, ये मान लो अपने को निकालना है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, इनके क्वाड्रेंट निकालने, तो इस पॉइंट से, क्योंकि ये जो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो ये जो एंगल है वो कितना आएगा, 45, है ना, 45 आएगा, यहां से परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक। तो ये दूरी कितना है, रूट टू सी, ये रूट टू सी है, ये एंगल 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू सी कॉस 45, और ये कितना आएगा, रूट टू सी साइन 45। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से अपने को कितना इधर उधर जाना है, सी इधर और सी ऊपर जाना है, तो लेफ्ट जाना है बाय सी यूनिट, राइट और ऊपर जाना है बाय सी यूनिट। इसमें अपन ने एक्स क्वाड्रेंट में क्या किया, सी कम कर दिया, और वाई क्वाड्रेंट में अपन ने सी ऐड कर दिया। ये आपका एक एंड ऑफ लेटस रेक्टम, और दूसरा एंड ऑफ लेटस रेक्टम के लिए क्या करेंगे अपन, समझिए, एक्स बढ़ा दो वाई कम कर दो, तो दूसरा एंड ऑफ लेटस रेक्टम आएगा रूट टू प्लस वन सी इंटू, और रूट टू माइनस वन इंटू सी। एक एंड ऑफ लेटस रेक्टम, दूसरा एंड ऑफ लेटस रेक्टम, दूसरा वाला एसिम्प्टोट आप लिख लोगे, दूसरा वाले एंड ऑफ, सॉरी, दूसरा वाला एंड ऑफ लेटस रेक्टम लिख लोगे आप, ये वाला इसका नेगेटिव हो जाएगा, और इसका नेगेटिव क्या, ये वाला आ जाएगा। कुछ बचा, सब निकाल दिया मैंने, सी ए टी ए पी ए सब। डायरेक्ट्रिक्स सब निकाल दिया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या निकालोगे, निकाल रखा है यहां पर, है ना, यही है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, सी बाय रूट टू और सी बाय रूट टू, ठीक है।